नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने सरलीकरण के कुछ टाइप्स के बारे में आपसे बात किया था और मुझे आशा भी है कि आपको वो वीडियो बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, आज मैं सरलीकरण से ही अग्रिम टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा, कुछ टाइप्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। उन टाइप्स को करने में स्टूडेंट्स को टाइम लगता है। दोस्तों, मुझे कमेंट में बोला गया था कि कुछ एक्स्ट्रा जो पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराए थे, अगर उनमें ए बी सी की अगले अग्रिम पद जैसे डी वाला पद भी आ जाए तो हम उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, आइएगा, देखिएगा ऐसा एक क्वेश्चन जिसको कमेंट में मुझसे पूछा गया था। देखिएगा, अगर दोस्तों पहले मैंने पूछा था पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले वीडियो में ए बी और सी, लेकिन उसमें डी नहीं था, लेकिन अब क्या दिया हुआ है दोस्तों? डी। अब ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है? इधर देखिएगा दोस्तों, वही तरीका। मुझे 60 में भाग देना है 17 का, कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना हो गया? 51। कितना बचा? 9। फिर किस में भाग देना है? 17 में। कितनी बार गया? 1 बार। कितना बचा दोस्तों? 8। फिर कितने में देना है? 9 में। ये कब तक देना है? जब तक रिमाइंडर हमारे पास शून्य ना आ जाए। अब देखिएगा 8, फिर कितना बचा दोस्तों? 1। और फिर किस में देना है? 8 में। और यहाँ कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 0। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया पिछली वाली वीडियो के अनुसार कि ए का मान कितना हो गया? 3। बी का भी मान कितना हो गया? 1। सी का मान कितना हो गया? 1। और डी का मान तुम्हारा क्या निकल के आ गया? 8। तो मैं कह सकता हूं कि ए का मान 3 है, बी का मान 1 है, सी का मान 1 है और डी का मान जो है वो 8 निकल के आया है। देखिएगा इस क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिएगा तुमसे पूछा गया है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। देखिएगा ए का मान कितना है? 3। बी का मान 1 है, सी का मान 1 है, डी का मान 8 है। इनका अगर मैं मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? 24। अब दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देना है, ए प्लस बी 3 + a कितना हो गया दोस्तों? 4। बीच में क्या लगा हुआ है? मल्टीपल। फिर कह रहा था सी प्लस डी 1 + 8 कितना हो गया? 9। और मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों? 9 × 4 = 36। इसका मतलब अगर कोई भी पद ऐसे दे रखे हो, अगर ई भी होता तो भी हमें शेष पर 0 तक निकाल कर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों कुछ अग्रिम टाइप्स के बारे में मैं बात करता हूं आपसे, उन टाइप्स के बारे में जिनको ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन कौन से हैं? देखिएगा दोस्तों इधर, और ये पूछा जाता है, ये तो एबीसीडी वाले क्वेश्चन थे। अगर एबीसीडी वाले ना होकर के तुमसे दे दिया जाए, ये बोल दिया जाए तुमसे एक्स बराबर 1/, या 1/ में ना दे करके तुमसे दे दिया जाए, 1/ में पूछ लिया जाए 1/1 + k, 1/1 + k ऐसे करके 1/1 + k, 1/1 + k, 1/3। या फिर इतना बड़ा क्वेश्चन ना करके हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं छोटा, जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन को पहले देखते हैं, ये मैं करा रहा हूं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ऐसे आपसे पूछ ले, एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और आपको दे दिया 1/1 + 1/1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मुझे बताइएगा इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों, हम ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले हमें एक तरीका बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। वो तरीका क्या है? हमें ले जाना है लास्ट वाली वैल्यू पर। लास्ट वाली वैल्यू क्या दी हुई है दोस्तों? 1/2। क्या दी हुई है? 1/2। तो पहले हमें लिखना है 1 और 2। पहले क्या लिखना है? 1, फिर क्या लिखना है? 2। देखना दोस्तों कितनी बार प्लस दिया हुआ है? 2 बार। 2 पॉइंट लगा, कितनी बार प्लस दिया हुआ है? 2 बार। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? देखो, अब ये प्लस दिया हुआ है तो जोड़ना है, 2 और 1 कितना हो गया पहले पॉइंट की जगह पर? 3। 3 और 2 कितना हो गया? 5। कितना हो गया दोस्तों? 5। और मेरा आंसर भी आ गया। पहले वाले को ऊपर लिखना है, लास्ट वाले को नीचे लिखना है। इसका मतलब है इस x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ गई? 3/5। लेकिन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर इस 1 की प्लस की जगह पर माइनस होता तो क्या होता?
कुछ बच्चों की समझ में ये भी आ रहा होगा, सर अगर ये एक की जगह पे दो होता तीन होता तो क्या होता। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि अगर इस जगह एक की जगह पर ये एक बटा दो लिखा हुआ है, एक की जगह पर पांच होता चार होता, तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मैं ऐसे टाइप्स के बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा फुल तरीके से। इधर देखिएगा, अगर दोस्तों मान लीजिएगा ये क्वेश्चन तुमने किया, और मैं तो ये कहता हूँ इस क्वेश्चन को ये करने के बाद भी मैंने ये कह दिया तुमसे और ये बोल दिया 1/1 + 1/2। भाई देखिएगा, पहले मैंने इतना सा पूछा था, अब मैंने दोबारा और पूछ लिया। अब देखो वही तरीका, 1 और 2, कितनी बार प्लस लगा हुआ है दोस्तों, 3 बार। कितनी बार लगा हुआ है, 3 बार। देखिएगा प्लस लगा हुआ है, 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब मैं कह सकता हूं कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5/8। जाइएगा मत, देखते रहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको माइनस लगेगा तब क्या होगा, ये संख्याएं चेंज होंगी तब क्या होगा। देखिएगा ये मुझे आशा है समझ में आया होगा। देखिएगा इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 1/3। मैंने क्या बोला था, हमें लास्ट वाले उस पर पहुंचना है, और लास्ट वाला कितना दिया हुआ है, 1 और 3। देखिएगा ऊपर 1 है नीचे 3 दिया हुआ है। अब देखिएगा कितनी बार प्लस है, 1 2 3 4, 4 लगा दो भैया पॉइंट, लगा दिए 4 पॉइंट। वही काम करना है, प्लस दिया हुआ है 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 7 18। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो आंसर होगा, पहले कौन सा दिया हुआ है 11, लास्ट में कौन सा दिया हुआ है 18। तो मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 11/18। दोस्तों आइएगा प्लस वाले में ही एक और क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूं, ताकि आपको पता चले इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसमें अगर ये ना दे करके ये दे देता तुमसे, कह देता चलो मान लिया यही क्वेश्चन होता और तुमसे ऐसे कह देता, यही क्वेश्चन होता और तुमसे कह देता 1/1 + 2/3, तुमसे कह दिया, यही वाला क्वेश्चन था भाई साहब। लेकिन देखिएगा ऐसे क्वेश्चन इतने बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हमें डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, हमें पता है। जैसे पहला कितना दिया हुआ था, देखो एक की जगह पर अब दूसरी संख्या आ गई, वो संख्या कौन सी आ गई, 2। 2 दिया हुआ है, दूसरे में कितना दिया हुआ है, 3। कितने प्लस है दोस्तों, 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 हो गया सवाल। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13 13 और 8 21, 21 और 13 कितने हो गए दोस्तों, 34। कितने हो गए, 34। और मुझे पता भी चल गया लास्ट वाला पद कौन सा आया, 21। लास्ट वाला पद लास्ट बिल्कुल लास्ट कौन सा आया, 34। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 21/34। दोस्तों अब आते हैं हम, अगर ये माइनस वाले दे रखे हों और माइनस वाले दे रखे हों तो हमें कैसे करने हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों अगर यही सवाल ऐसे दे रखा होता और इस प्लस की जगह पर क्या होता, माइनस, तो हमें क्या करना पड़ता इन क्वेश्चनों में, प्लस की जगह पे क्या होता, माइनस, यहां भी माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस और यहां, और ये दे देता 1/4 हो सकता है। देखिएगा एक हमें माइनस वाला समझना है, एक हमें क्या समझना है, माइनस वाला समझना है। माइनस वाले क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिएगा तरीका वही है, तरीका चेंज नहीं करना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तरीका हमें पहले वाले से लास्ट वाले तक वही लगाना है। देखिएगा क्या दिया हुआ है, 1 और 4 दिया हुआ था। क्या दिया हुआ है, माइनस, कितनी बार माइनस है, वही 4 बार, 4 टिक लगा दिए। कितनी बार माइनस है, 4 बार। अब ये 4 बार जो माइनस दिया हुआ है, इसमें कह रहा था 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3। पहले मैं प्लस करता था, और प्लस क्यों करता था, क्योंकि दोनों के बीच में क्या दिया हुआ था, चिन्ह प्लस का, लेकिन अब किसका दिया हुआ है, माइनस का। अब देखना 4 और 1 कितना हो गया, 5, लेकिन हो जाता प्लस होता तो, लेकिन अब क्या है, माइनस, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3। अब 3 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, -1। -1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। समझ रहे होंगे ये कैसे किया, -1 में से जाना है 3, तो भैया -1 - 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, -4। अब लास्ट में देखो, -4 में से
माइनस का एक जाएगा तो कितना बचेगा भैया, माइनस का तीन, और हमारा क्वेश्चन हो गया। लास्ट से पहले वाला देखो कितना आ रहा है, फोर। लास्ट वाला देखो कितना आ रहा है, माइनस तीन। माइनस से माइनस कट गया, तो मैं कह सकता हूं इस माइनस वाले क्वेश्चन का जो एक्स का मान था वो कितना आएगा, फोर बाई थ्री। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगर ऐसा होता, मान लीजिएगा यही क्वेश्चन होता और इस क्वेश्चन में तुमसे ऐसे बोल देता, कुछ क्वेश्चन सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि सर अगर ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता, मैंने नहीं कर दिया इस क्वेश्चन में। देखिएगा ऐसा हो गया सर, अब हमें कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा फर्स्ट और सेकंड, माइनस है कितनी बार, चार बार। कितनी बार दिया हुआ है, चार बार। अब चार बार तीन में से दो गया तो कितना बचेगा दोस्तों, एक। एक में से तीन गया तो कितना बचेगा, माइनस दो। माइनस दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस तीन। माइनस तीन में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का एक, क्योंकि ये जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब माइनस तीन प्लस का दो क्या बचेगा, माइनस का एक। हो गया क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वाला कौन सा है, माइनस थ्री। लास्ट वाला कौन सा है, माइनस एक। माइनस से माइनस कट गया, तीन में भाग एक का दूंगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां से निकल करके मेरे पास तीन। तो हमने देखा प्लस वाले क्वेश्चनों में अग्रिम पदों को जोड़ के चलना है और माइनस वाले क्वेश्चनों में अग्रिम पदों को उसमें से घटा के चलना है। लेकिन अब स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आई होगी कि सर अगर ये वन वन ना होकर के इसकी जगह पे कुछ संख्याएं होती तो उन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते। आइए उस प्रकार का एक टाइप देखते हैं, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि वीडियो आप देख रहे हो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे वीडियो बनाने में मुझे भी अच्छा लगे और आपको बेहतर वीडियो दे सकूं। देखिएगा उस टाइप के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और वो कह रहा है, लेकिन उससे पहले जैसे मान लीजिए तुमसे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक और क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीजन वगैरह में ये पूछा गया है, और तुमसे कह दिया जाए एक्स की जो वैल्यू दी हुई है, एक्स की जो वैल्यू दी हुई है ये कह रहा था वन प्लस, ये दिया हुआ वन, वन प्लस, वन प्लस ये दिया हुआ। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो तुमसे दिए हुए हैं वन प्लस वन बाई टू, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। और तुमसे वो जो फाइंड आउट करवाएगा, वो जो पूछ रहा है तुमसे, वो पूछेगा तुमसे, ऐसे कह रहा है वो कि टू एक्स प्लस सेवन अपॉन फोर, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही तरीका, इसकी वैल्यू ज्ञात करवा रहे हैं, किसकी, 2x प्लस 7 अपॉन 4। देखिएगा दोस्तों तरीका वही है, 1 और 2 लिख दिया यहां से मैंने, कितनी बार प्लस लगा हुआ, 1 2 3 और 4। देखो साहब ये लिखा हुआ है, देखो कितना लगा दिया, 1 2 3, ठीक है ना। अब जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 और ये लिखा हुआ है प्लस है बीच में, दो और एक कितना हो गया, तीन। तीन और दो कितना हो गया, पांच। पांच और तीन कितना हो गया, आठ। आठ और पांच कितना हो गया, तेरह। तो हमारे पास जो निकल के आया, हमने यहां से देखा तो हमारे पास जो निकल के आया वो निकल के आया है दोस्तों आठ बटे तेरह। लेकिन एक हमने एक देखा नहीं इस क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन जो पिछले वाले किए थे तो वो हमेशा एक के बटे में हुआ करते थे, तो इसका मतलब हमें एक के बटे में इसको भी करना पड़ेगा। इसका मतलब जो वन अपॉन एक्स का जो मान आया है वो निकल के आया है आठ बटे तेरह, और हमें अगर एक्स का मान निकालना हो तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तेरह बटे आठ। और हमसे पूछा है उसने, क्या पूछा है दोस्तों उसने, उसने पूछा है हमसे टू एक्स, टू एक्स का मान कितना आया है, तेरह बटे आठ प्लस सात बटे चार। दो से आठ कितनी बार, चार बार, ये कितना हो गया, तेरह और सात बीस, और बीस बटे चार कितना हो जाएगा दोस्तों,
इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। हमने देखा कि प्लस वालों में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस वालों में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है अब हम जब तक सीखेंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम है कि सर अगर इनमें एक की जगह पे कोई दूसरी संख्या अगर आ जाती तो हम उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते। देखिएगा भैया, अगर ऐसी संख्या आ जाए जिनमें एक नहीं हो और एक की जगह पे कोई दूसरी संख्या दे रखी हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है। अब देखिएगा, तुमसे बोला जाएगा जैसे मान लीजिए x बराबर दिया हुआ है 1/2, ऐसे क्वेश्चन अगर देगा 1/(1+a)/8 और तुमसे पूछा जाए कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। हाँ अंतर है इस क्वेश्चन में, क्या अंतर है, यहां एक है या दो है। देखिएगा वही तरीका, हमें तो लास्ट वाला लेना है, लास्ट वाला कितना दिया हुआ है 1 और 8, कितना दिया हुआ है 1 और 8। अब देखिएगा 1 और 8 दिया हुआ है, प्लस लगा हुआ है, कितनी बार लगा हुआ है 2 बार, 8 वाले के सामने क्या है 1, इसके सामने क्या है 2। ये प्लस का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, प्लस का मतलब प्लस नहीं है, गुणा है। क्यों है गुणा, 8 एक 8 करते थे ऐसे, 8 एक 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया दोस्तों 26, और मेरा कोई आंसर आ गया। पहला पद कौन सा है 9, सेकंड लास्ट वाला पद कौन सा है 9/26। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर अगर ये बड़ा होता तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे करते। जी हाँ, अब मैं बड़े क्वेश्चन बताता हूं आपको, अगर ये ऐसा होता तो हम क्या करते। जैसे मान लीजिएगा यही क्वेश्चन हो, यही क्वेश्चन अगर हो और तुमसे कह दिया जाए 1, और ये वाला जो क्वेश्चन है तुमसे ये बोल दिया जाएगा 3+a 1/2, बताइएगा साहब इसका आंसर क्या होगा। वही तरीका, 1 और क्या दिया हुआ है 4, क्या दिया हुआ है 1 और 4। अब देखिएगा दोस्तों कितनी बार प्लस है 2 बार, कितने पॉइंट लगाने हैं 2, इतना तो समझ में आया 2 लगाने, लेकिन 4 के आगे क्या दिया हुआ है 3, अगले वाले पे कितना दिया हुआ है 2, इतना समझ में आना चाहिए। 4 दिया 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 दूनी 26 और 4 कितना हो गया 30, और मेरे पास उत्तर आगे निकल के आ गया 13/30। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। आइएगा, तुमसे अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता और तुमसे कहा जाता, मान लीजिएगा ये क्वेश्चन ऐसे होता और तुमसे ये बोला जाता कि यही क्वेश्चन x का जो मान दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तुमसे बोला जाता 1+, अगर ये प्लस वाले जो मान, साफ दिख रहा है क्या, ये जो दिया हुआ है तुमसे बोला जाएगा, ये जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन जो है, अब हमें देखना है इन क्वेश्चनों को, जैसे मान लो ये दे दिया 2/5 मान लिया और आगे कर दिया 1/(1+a)/2/5 ये दे दिया तुम्हें, तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 2 और कितना दिया हुआ है 5, कितनी बार प्लस लगा हुआ है दोस्तों 3 बार। देखना पहले पे कितना है +1, दूसरे पे भी +1 है, तीसरे पे क्या है +3। देखना 5 एकन 5 और 2 7, 7 एकन 7 और 5 12, 12 3 36 और 7 कितने हो गए दोस्तों 43, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 12/43। तो इस प्रकार के हम क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एक तो प्लस वालों को, एक माइनस वालों को, और एक अगर एक की जगह पे कोई अन्य संख्याएं दे रखी होती हैं तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आज एक लास्ट का क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराने जा रहा हूं, आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कितना टफ है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है तुमसे, ये कहेगा ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, और वो कह रहा है देखो कोई यात्री था, कोई भी एक यात्री था, और वो ऐसे कह रहा था यदि यदि एक यात्रा का कोई भी भाग था, जैसे मान लो ये मान लिया ये भाग था और ये कह रहा था कि इसमें जो दिया हुआ है ये भाग, कोई भी ये भाग, ये 4 है,
ये भाग ठीक है ना, वो कह रहा था वे भाग को 10 मिनट में पूरा किया जाता है। 10 मिनट में भाग पूरा कर, तो उस यात्रा के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। और ये आज ये दिए हुए हैं, जैसे मान लो दे दिया तो मैं ऑप्शन में दे दिया 40 मिनट, ये दे दिया 42 मिनट, और ये दे दिया सी 48 मिनट, और डी ऑप्शन तुम्हारा दे दिया नन, इनमें से कोई नहीं। आइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करते हैं, और इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ हमें एक चीज पता होनी चाहिए दोस्तों कि हमने जो अभी क्वेश्चन पढ़े हैं वो सेम इसी प्रकार के हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये दिया हुआ है 4 - 5 अपॉन दिया हुआ है 1 + 3 + 1/2 + 1/4। तो हमें तो ये ज्ञात करना है, हमें ये देखना है कहीं ये सॉल्व हो जाए हमारे से, तो हम इस आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 5 को एक साइड में रख लूं और 5 को ऐसे मान लूं कि 5 इसमें है ही नहीं है, तो अगर 5 को मैं इधर साइड में रखता हूं, इसका मतलब मैं अगर मल्टीपल में करूं तो मुझे सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे इस कॉन्सेप्ट की वैल्यू चाहिए तो मुझे पता है वही तरीका, क्या ले लिया 1 और 4, 4 के बगल में क्या है 2, कितने प्लस है 3, तो कितने पॉइंट लगा दिए 3, फिर क्या है +3, फिर क्या है +1, फिर क्या था +3, पॉइंट के आगे लिख दीजिएगा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, प्लस का 3, प्लस का कितना दिया हुआ है 1, 4 × 8 और ये कितना हो गया 9, 9 × 3 = 27 और 4 कितना हो गया 31, 31 × 31 = 9 कितना हो गया 40, मतलब यहां से निकल के आ गया 31/40। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया है 1/ इस पूरे मान की वैल्यू निकल के आई है कि इसकी, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पे जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 - 5 तो था, और इस पूरे मान की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 31/40। 5 से 40 कितनी बार कट गया 8 बार, हमारे पास क्या बचा 4 - 31/8, 8 चौका कितना हो गया 32, मतलब यहां से निकल के आया 1/8, कितना निकल के आया 1/8। अब 1/8 जो निकल के आया है, ये यात्रा का कितने समय में पूरा किया है 10 मिनट में, एक मतलब पूरी यात्रा को कितनी देर में पूरा कर लेगा भाई, 8 का जो भाग लगा हुआ है इधर जाके क्या हो जाएगा 80 मिनट में, लेकिन हमें तो कितना निकालना है 3/5, मतलब इसका निकालना है 3/5 भाग, इसका मतलब 80 मिनट का भी कितना करना पड़ेगा 3/5, कितना हो गया 16, तो 16 दिया कितना हो गया दोस्तों 48 मिनट। इसका मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 48 मिनट। हमने देखा दोस्तों कि इस क्वेश्चन की जो भाषा थी वो क्या थी, और इस क्वेश्चन को जैसे ही हमने सरल किया तो इस क्वेश्चन को हमने जो हमने क्वेश्चन पिछला पढ़ा है उसी हिसाब से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया। दोस्तों ये जो मैंने आपको आज टाइप्स कराई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण टाइप हैं, जो आपको सेंट्रल लेवल में स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछी जाती है, और बार बार इसके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिना टाइम लगाए हम इसको इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।